इजागुनु सिपबे राग्रेब दो सिपबे इंद्रगे दो कोजो इंतने मउलु में इनलामा आजालो उदर उदर जाओ जाओ दो जो आजा नहीं हिमनी नहीं अभी वाटी का सो दे अभी ये नाव से पार करने जा रहा है हमारा दीवे गांव की रास्ता। आप सबने देखिए अरुणाचल देखिए आज तक कैसे बहुत बैकवर्ड एरिया है। 28 लिकावली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में पड़ता है ये गेंसी सर्कल अंदर में पड़ता है। यहाँ MPSR भी देखिए इतना नदी बोरा ये किरण रिजिजू भी आप देखिए इतना गांव-गांव में अरुणाचल में ऐसे कोने कोने बहुत प्रॉब्लम है। देखिए ऐसे बहुत खतरनाक है आदमी देखिए बहुत खतरनाक है। नदी क्रॉस और पीछे पीछे में एक तो तीर जा रहा है। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जब से पेमा खांडू साहब स्टेट में चीफ मिनिस्टर बन के आया है तब से लेके आज तक हमने देखा कि जो भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इवन बजट बनाने में भी लोगों का पार्टिसिपेशन को हमेशा एम्फसाइज किया है। इवन अ कॉमन पब्लिक कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन प्रिपेयरिंग द बजट स्टेट बजट। इतना वाइब्रेंट गवर्नमेंट है, इतना ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चला रहा है और जहाँ तक हो सकता है स्टेट का प्रोग्रेस के लिए जो कुछ भी बन पड़ता है काम कर रहा है कि करप्शन और इस तरह का जो प्रैक्टिस जो चल रहा है वो हम लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता है। देखिए ये तो सब अरुणाचल प्रदेश के सभी जनता जानता है कि ये जो नौटंकी जो चल रहा है वो पॉलिटिकली ही वेस्टेड इंटरेस्ट लोग ही इसमें कर रहा है। तो इसमें मैंने डे वन से ही कहा कि अगर सरकार का अगेंस्ट में कुछ भी आपको मिलता है तो करप्शन बोलो या गलत जो भी चीज़ मिलता है उसको आप सीधा कोर्ट में जाके आप लोग कोर्ट में लेके फाइट कीजिए। केवल आप बोलते हैं कि अगर CM खुद अगर क्लीन है बोलने से CBI को क्यों नहीं इन्वाइट करता, यही तो चाहता है वो लोग कि CBI को अगर मैं खुद लिख दूँ कि CBI यहाँ पे आना है तो वो लोग फिर बोलेंगे नेक्स्ट स्टेज होगा कि CM को अभी रिज़ाइन करो। तो ये है टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है CBI को यहाँ आना नहीं आना, क्योंकि एलिगेशन जो है मेरा ऊपर में लगा हुआ है, सरकार हम लीड कर रहा है वो तय करेंगे अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है CBI आना है तो मोस्ट वेलकम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैटर जो है अभी कोर्ट में है तो दे शुड फोकस देयर माइंड एंड एनर्जी इन कोर्ट इंस्टेड ऑफ मिसलीडिंग द पब्लिक थ्रू सोशल मीडिया और दिल्ली चलो ये सब मार्च करके इस तरह से करके मिसअंडरस्टैंडिंग और ये सब मिस क्रिएशन मिसलीड नहीं करना चाहिए जनता को कि गलत एलिगेशंस लगाते हुए। मैं डे वन से ही बोला अगर गवर्नमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी मिनिस्टर जो भी हमारा खिलाफ कुछ भी अगर होता भी है तो कोर्ट में लेके जाइए, लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड ऑन द मैटर।